ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आपका ये दिन भी बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली आज की जो हमारी क्लास है, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। हम और एक टाइम के अंदर बहुत सी जगहों पर पैसे कमाने की बात करते हैं। मैंने बहुत सी दफा बहुत से लोगों को अपना चेक भी शेयर किया, अपनी इनकम भी बताई, और यहाँ पर लोगों का एक क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे पर्सनली भी करते हैं कि आप तो ये बताती हैं कि हम पैसे आप कमा रही हैं, और मैंने बड़ी दफा की स्टोरी भी शेयर की कि मैं एक हाउस वाइफ से किस तरह इस काम में आई और मेरा कैसे 240 रुपए का चेक था जो अब 5 लाख को क्रॉस कर चुका है। ये कैसे मुमकिन हुआ? उसके लिए मैंने बहुत सी दफा आप लोगों को कहा है कि ट्रेनिंग्स लें, इस काम को सीखें। आज हम बात करेंगे इस बिजनेस क्लास के अंदर कि हम और ही फ्रेंड से पैसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, कोई एक क्लास, कोई एक मीटिंग, कोई एक ट्रेनिंग, कोई एक प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा बड़ी चीज को समेट कर आपके अंदर नहीं डाल सकती। ये बात पहले ध्यान में रखिएगा कि मैं कोई एक क्लास दूंगी और इस तरह होगा कि घोल कर सब कुछ समझ आते हैं, ऐसा नहीं है। ये सीरीज ऑफ क्लासेस होगा। पहली क्लास में शायद आपके कुछ क्वेश्चन हो, दूसरी में आपका जहन खुले, तीसरी के अंदर आप इसको मजीद जो है वो उसको लेकर चलें, फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर आपको प्रॉब्लम है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। हमेशा मैं कहती होती हूँ कि पहले 100 नाकाम तजर्बे करके कामयाब तजर्बा होता है, और ये भी गारंटी सक्सेसफुल लोगों के लिए कि क्या वो रेडी हैं, वो 100 नाकाम तजर्बे करने के लिए पहले 20,000 घंटे प्रैक्टिस की होता है। आपको पता है फ्लाइंग के लिए जो जाते हैं पायलट से सब कुछ, उनको कितने हजार घंटे फ्लाइंग करनी पड़ती है? आप मुझे बताइए, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कितना अर्सा बिफोर गेटिंग द डिग्री, बिफोर गेटिंग द प्रोफेशनलिज्म और सब कुछ स्पेशलाइजेशन। सो हर काम के अंदर आपको एक तजर्बा रिक्वायर्ड होता है, जो आपको कितना दफा ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट शोबों में एज फ्री आप वहां पे काम करते हैं ताकि आप अपनी वो स्किल्स और तजर्बा हासिल कर सके। तजर्बा जो है वो डिग्री के मुकाबले नहीं हो सकता। डिग्री की एक अपनी अहमियत है और तजर्बे की एक अपनी अहमियत है। तजर्बा मीन्स वो फील्ड के अंदर प्रैक्टिस, जो अमली काम होता है, जो मेरा ख्याल है उस डिग्री के उन पेपर से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मैं आपको हमेशा ये बात कहूंगी, एक क्लास कभी भी काफी नहीं होगी आपके लिए कि आपने वो क्लास ले ली। हाँ, इस क्लास के अंदर आपका जहन खुलेगा, इस क्लास के अंदर आपका रोड मैप बनेगा, स्मूथ करेगा। जब मैं और इतने कर रही थी, मतलब ऐसे ही कर रही थी, ऐसे ही उधर शुरू में, जिस दिन मैंने ये बिजनेस क्लास ली थी जिसमें मुझे समझाया गया था, अच्छा ये फायदा होता है मेंबर बनाने का, अच्छा यूं ऐसे सिस्टम चलता है, वो दिन मेरी सोच बदल गई थी। मैं यूजर से सेलर कभी भी नहीं बनी थी, अल्लाह का शुक्र है। मैं यूजर से स्विच कर गई थी टीम बिल्डर की तरफ, और मैं इन्हीं दोनों चीजों पर काम पर फॉर लाइफ टाइम करती रही। यानी मैं चीजें यूज करती हूँ और उसके बाद टीम डेवलप करती हूँ, चाहे मुझे यूजर मिले या कोई भी शख्स मिले। आज की क्लास भी आपने बहुत ध्यान से सुननी है, आपके पास बहुत से क्वेश्चंस होने चाहिए, इनको इसके नोट्स बनाएं ताकि आप मुझसे पूछ सकें। देखिए, जब आप पूछेंगे, हेजिटेट करने से या ना पूछने से कभी भी क्लैरिटी नहीं होती, पूछने से चीजें क्लियर होती हैं। ओके जी, आज की क्लास का एजेंडा क्या रहेगा? हम लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? बहुत से लोग जो है वो ओरिजिन से पैसे बनाना चाहते हैं, वो दिल कहाँ हार जाते हैं जब उन्हें उनका स्पॉन्सर ये बात बताता है कि ओरिफ्लेम से आप पैसे तो बना सकते हैं, मगर ओरिफ्लेम में आपको चीजें सेल करनी पड़ेंगी। और वो बच्चों जैसा एक जहन बनाकर बैठ जाते हैं कि शायद सेलिंग इज द रिसॉर्ट। ये जो लीडर या जो शख्स खड़ा होकर अपनी स्टोरी सुना रहा है, ये बहुत बड़ा सेलर होगा और इसके नीचे एक सेलर्स की टीम होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात करनी इम्प्रूव करने की इनकम। ये एक अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, कल की क्लास में भी मैंने बताया था। इस अपॉर्चुनिटी को ग्राब करके मैंने बहुत ट्रैवल किया, मुझे बहुत ऑनर मिला, मुझे बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया गया, रिकग्निशन की गई। मैं आज ये सोचती हूँ, मैं किसी नौकरी पर भी होती तो क्या मैं अपनी फैमिली के साथ इतनी इन्वेस्टमेंट करके, मैं इतना ट्रैवल करने का मेरे पास टाइम मिलता, या मुझे इतनी छुट्टी मिलती, या मैं जो हूँ अगर बिजनेस भी कर रही होती तो क्या मैं सब कुछ कर सकती? ये सिर्फ इस काम की बदौलत है। सो लेट्स बिगिन। हम अपनी इनकम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे अपना बेटर फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं? याद रखिएगा, फ्यूचर बिल्ड करना सेलिंग से नहीं हो सकता। सो कैसे कर सकते हैं,
बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? अब याद रखिएगा, बिजनेस स्टार्ट करने में और सेलिंग में मेजर डिफरेंस है। कैसे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का ताल्लुक भी सेलिंग से नहीं हो सकता। कभी आपने किसी सेल्स गर्ल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं देखा होगा, वो अपने आप को बिजनेस पर्सन भी नहीं कह रही होगी, एंटरप्रेन्योर, उसे अपना फ्यूचर भी नहीं ऐसे बिल्ड कर रही होगी। ठीक है, फ्रीडम किसे कहते हैं, आजादी किसे कहते हैं, और ट्रैवलिंग की क्या खूबसूरती है, जो आई थिंक मैं कल बहुत ज्यादा इस पर बात कर चुकी हूँ। कैसे आप पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलप होते हैं? तो मैं आई थी, मैंने आपको बताई थी कि मैं बहुत घबराती थी, मुझे इतना नहीं पता था। कैसे ये बिल्डअप 12-13 सालों में कॉन्फिडेंस हुआ, कैसे मैं पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रो हुई, कैसे मैंने चीजें सीखी, मैंने आगे ये डुप्लीकेट किया। इसी तरह से आपसे बहुत से लोगों ने शायद हमें ज्वाइन किया, और जिन्हें तो खुद कहते हो कि यार ज्वाइनिंग के बाद और ट्रेनिंग लेने के बाद, चाहे वो कंपनी की हो चाहे किसी की हो, हमने बहुत कुछ सीखा और मैंने बहुत कुछ अपने आप को ग्रूमिंग अपनी की। उसके बाद रिकग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस थिंग। अच्छा जी, और ये फ्रेम का एक क्लेम, और ये क्लेम आई थिंक हर इंसान को बहुत टेंप्ट करता है और हर इंसान ये चीजें चाहता है, मगर जहां पर थोड़ा सा हार्डवर्क या चैलेंज आ जाता है, हम इस ख्वाहिश को दबा देते हैं और कहते हैं हमारी किस्मत कहीं नहीं है, या यूं कि आज जो है वो काफ़ी है। यकीन कीजिएगा, आप ये सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं अगर आप उन चैलेंजेस को सिर्फ एक चीज़ अपने साथ लगाएं, कि आप मुस्तकिल मिजाज और पॉजिटिविटी के साथ इस फेज को गुजारेंगे, जो चैलेंज का फेस है, जो नेगेटिविटी का फेस है, जो फेलियर का फेस है। अगर आप इस फेज के अंदर सिर्फ कंसिस्टेंट और पॉजिटिव हो जाएं, तो आप ना सिर्फ पैसे कमा सकते हैं, आप अपना ड्रीम लाइफ स्टाइल, जिसमें अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ऐश वाली जिंदगी सब एंजॉय कर सकते हैं, मगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड सेट फाइट ब्रॉड करना पड़ेगा, पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, चाहे कोई भी हालात हो। हालात हमेशा आपकी फेवर में नहीं है। जो चूंटी होती है वो अपना एक पूरा सीजन गर्मियों का अपना खाना जो है वो जमा करती है, और उसमें वो अपने वजन से कितने गुना ज्यादा वजन उठा रही होती है, हर तरह की सौगतों को बर्दाश्त करती है और अपना खाना अपने घर में पूरा सीजन जमा करती है। मगर जब हार्ड टाइम होता है, देर इज मतलब जब खाने को नहीं होता, वो बाहर नहीं निकल सकती, तो वो अपना बचा हुआ खाना खा रही होती है। इसी तरह से देयर आर सो मेनी एनिमल्स जो हाइबरनेट कर जाते हैं, तो वो अपना सीजनल फूड जो है वो जमा कर लेते हैं। फिर अगर हम बहुत सी बर्ड्स को देखें, दे माइग्रेट, वो इतनी सौगतें बर्दाश्त करती हैं, अपना घर छोड़ती हैं और वो ठंडे इलाकों में चली जाती हैं, गर्म इलाकों में चली जाती हैं, अकॉर्डिंग टू वो किस तरह की बर्ड है, और वो वहां जाकर अपनी 6 महीने गुजारती हैं, देन अगेन दे टेक ऑल, वो घर को छोड़ती हैं। तो दिस इज नॉट ईजी। ये मैं जानवरों और परिंदों की बात कर रही हूँ, जिन्हें अल्लाह पाक ने वो अक्ल नहीं दी जो शऊर और अकल इंसानों को दे रखा है अल्लाह पाक ने। जब वो अपने आने वाले फ्यूचर की फिक्र कर सकते हैं, जब वो मुश्किल हालात का हल ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि भूखे मरे, वो कोई ना कोई उसकी राह तलाश करते हैं। और इंसान जो उन तमाम मखलूक में सबसे ऊपर है, उसके पास अल्लाह ने अकल दी है, तो अल्लाह ने आपको यह अख्तियार दिया है। यहाँ इख्तियार आपके हाथ में, तो जायज और हलाल तरीके से आप कैसे अपना और अपनी फैमिली का फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। सो जस्ट टेक द राइट स्टेप्स। ना उम्मीदी हमेशा मैं कहती हूँ कुफ्र है। एक मोमिन, एक मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार उसका अपने रब पर ईमान और इस बात की उम्मीद रखना कि कल का दिन आज के दिन से बेहतरीन होगा, और तारीखी एक सिर्फ एक वक्त का फेज है, एंड इट विल पास ऑन, सो इट विल गो अवे। तो आप यकीन कीजिए, आप अपनी फैमिलीज के लिए, इस मुल्क के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी नेमत होंगी। सो आप ये तमाम लाइफ स्टाइल हासिल कर सकते हैं, ये जो हम किताबों में और फेरी टेल्स में कहानियां पढ़ते हैं, ये तमाम आपकी लाइफ का पार्ट बन सकती हैं। सिर्फ आपने पॉजिटिवली कंसिस्टेंट होना है, तब जब आपको सबसे ज्यादा नाउमीदी है, सबसे ज्यादा आपको चैलेंज है, या चीजें आपके लिए नेगेटिव हो रही हैं। ठीक है, लर्निंग का प्रोसेस खैर आपने कभी भी नहीं छोड़ना। ओके जी, ओरिफ्लेम, बहुत से लोग इस ब्रांड को लेकर बहुत कुछ तसव्वुर करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो इसके कभी मेंबर नहीं होते, तो वो इस ब्रांड को एक सिर्फ ब्यूटी ब्रांड लेकर देखते हैं, या एक और कैटेगरी आपको मिलेगी
जो आपने फेसबुक पे देखा, जो नेगेटिवली बहुत कमेंट करती है, वो लोग हैं जिनको, जो मेंबर्स हैं वो ये इम्पैक्ट दे रहे होते हैं कि ये कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट आपने, तो ऐसी तो प्रोडक्ट तो है ये, तो जिसे कहते हैं ना कि ऊपर से उतर के कोई प्रोडक्ट आई है और आप लगाएंगे तो वो आपकी स्किन के सारे मसले, आपके बालों के सारे मसले, आपके हाथों नाक कान पाँव, मतलब आप ये लगाएंगे इसके बाद तो आपको अपनी होश नहीं रहेगी। एक वो तरह की कैटेगरी है जो पोस्ट को ऐसे बना देते हैं जिस तरह से एक मोर जजाती तलस्माती पोस्ट है, बिफोर एंड आफ्टर में, मतलब हैरत ज़दा, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। एक वो टाइप है, एक वो टाइप के लोग हैं जो पोस्टें सिर्फ सेलिंग की लगाते हैं, और कोई अगर गलती से उनकी पोस्ट पर कमेंट कर दे तो उसके बाद तो जी वो उसकी जिंदगी नहीं छोड़ते, आपको अपनी अम्मी की कसम हमसे चीज लेना है, अब्बू की कसम हमसे चीज लेना है। सो ये थ्री कैटेगरीज के लोग, एक वो जो हमें देखते हैं। सो बेसिकली ओरिफ्लेम क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओरिफ्लेम को बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं, मैंने भी ज्वाइन किया था 2009 में, आप लोगों ने भी ज्वाइन किया रखा है, मगर इसको सबसे पहले जो सेंटर में आपको एक लड़की नजर आ रही है, बहुत से लोगों को सिर्फ एक पता है कि ब्यूटी ब्रांड है, ठीक है। अब ये जो ब्यूटी ब्रांड है जो स्वीडन से जिसका ताल्लुक है, लोगों को ये लगता है कि इसके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अच्छा, ओरिफ्लेम की अगर मैं 100% एक चीज की बात करूं, ठीक है, तो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट उसका 10%, 90% है क्या ओरिफ्लेम, लोगों को ना पता है ना वो जानते हैं। वो उसी 10% पे आप चीजें यूज कर रहे होते हैं, या बेच रहे होते हैं, या पोस्टें लगा रहे होते हैं, या जज कर रहे होते हैं। यहाँ पर सारा काम इंफॉर्मेशन पे हो रहा होता है, उसने एक किया, उसने एक किया, उसने लगाया, उसने लगाया, हक सदाकत और सच्चाई क्या है, नो वन नोस एंड नो वन बॉदर्स टू नो, ठीक है। वो नॉलेज बेस्ड काम करना ही नहीं पसंद करते कि यार एक्चुअली क्या है। अब देखिए, हम ये तो एक ओरिफ्लेम है ना, हम अगर पता नहीं मुझे मिसाल देनी चाहिए कि नहीं, हम अपने मजहब की बात करें तो इसके अंदर बहुत सी चीजों का ताल्लुक शायद अहदीस से या बाकी मजहब से शायद नहीं होगा, बहुत सी जयीफ अहदीस होंगी, मगर हम वो सब काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बड़े कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही यही तरीका करने का, और आप उसकी तहकीक नहीं करते। जस्ट फॉर इंस्टेंस, अभी 14 अगस्त है, 14 अगस्त में बाजे बजाकर आजादी, What really you have done, celebrate करें, there are very good ways of celebrating your freedom. आप कुछ अपने मुल्क के लिए करते हैं, एक पौधा लगा दें, आप कोई पानी का कूलर लगा दें, आप एक घड़ा रखते हैं, मटका रखते हैं, किसी को खिला दें, समथिंग डिफरेंट देन दिस बाजा गाना बजाना, ट्रैफिक ब्लॉकिंग, बदतमीजी, ये सब कुछ के अलावा। सो इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि वो ये कर रहा है तो मुझे ही करना है। Without knowing what were the real sacrifices behind this country, आज जो इस आजादी से, आज आप देख लीजिए जिस आजादी से हम अपने मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं, जबकि अगेन आई हैव गॉट, मैं कहना नहीं चाहती, मगर अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है पाकिस्तान की, बट येट स्टिल मैं अपने घर में इस अपने अगर मैं एक आम डिसेंट तरीके से अपने मुल्क में तैयार होकर जाती हूँ, जिसके अंदर एक कौमी मेरा लिबास है, तो मुझे चांसेस थोड़े से लेस होंगे कि मैं अपने एक तरीके से अगर जाती हूँ तो शायद मैं यहाँ पर हरास ना हूँ, जबकि हरासमेंट के जो वाकया तब पाकिस्तान के अंदर जिस अरूज पे चले गए हैं, तो निकलते हुए भी डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट येट अगेन, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, ये तो कोविड ने भी बताया। तो सर, जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं, अब होता क्या है, ये जो मैंने आपको तीन कैटेगरीज की बात की है, एक वो जो देख रहा है, एक वो जो बेच रहा है, एक वो जो इस्तेमाल कर रहा है, और एक वो जो पीछे पड़ जाता है जिंदगी के, वजह क्या होती है? क्योंकि जब आप ओरिजिन को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए कुछ फायदे ओरिजिन में रखे, वो फायदे बहुत बेसिक लेवल के फायदे हैं, जो 10% की सिर्फ प्रोडक्ट के फायदे हैं, 90% को आपने जाना नहीं। तो वो आपका जो ऊपर बंदा बैठा हुआ है, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका लीडर है, वो आपको पुश करता है इन बेसिक फायदों कि आप ये बेसिक जो है शुरू के इनिशियल फायदे लें। अच्छा, यहीं से ही चीजें वो आपको हेल्प कर रहा होता है, शायद आपकी चीजें गलत हो जाती। पहला फायदा, आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, ये एक फायदा है आपको। मार्केट प्रोडक्ट के साबुन शैम्पू कंडीशनर के इससे फायदे नहीं मिल रहे होते। आप कभी ये नहीं हुआ कि आपका मार्केट का एक शैम्पू या कंडीशनर या साबुन खत्म हो तो आपका बिजनेस शुरू हो, कभी ये नहीं हुआ कि आपको एक
घर की टॉयलेटरीज जो पूरे घर के लोग साबुन शैम्पू कंडीशनर यूज करते हैं उस पर तो फायदा, मैंने तो आपको पहला फायदा 20% ऑफ करना, सो आपका स्पॉन्सर आपको फोर्स कर रहा होता है कि आप चीजें ने आपको 20% ऑफ मिल रहा है घर का ब्रांड पर, ठीक है। दूसरा आपको वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स करने की बात करता है, पॉइंट्स को मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, मोटा मोटा बता देती हूँ। जब आप ओरिफ्लेम से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट के अलावा हर प्रोडक्ट पे कुछ सर्टन पॉइंट्स मिलते हैं जिन्हें हम बोनस पॉइंट्स या बिजनेस पॉइंट्स कहते हैं। तो आपका स्पॉन्सर आपको वेलकम गिफ्ट्स के लिए पुश कर रहा होता है कि अगर आप 100 BP यानी 100 पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं उस महीने, तो आप 3 महीने के ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट्स ले लेते हैं। तो आपका अभी स्पॉन्सर आपको पुश कर रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है प्रोडक्ट पर फायदा लेने की, आपको यूज टू कर रहा है कि आप ब्रांड चेंज करें। फिर वो आपको एक और तस्वीर दिखा देता है कि आपको आएगा एक फ्लायर आता है, डिस्काउंटेड फ्लायर आता है। हमारे महीने में 2 फ्लायर्स आते हैं, 1st से लेकर 12th तक आता है, 13 से लेकर 25th तक आता है, तो विच इज लाइक अमेजिंग फ्लायर। आप ये फ्लायर में अच्छा फ्लायर को भी प्रमोट वो प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स हैं वो। फिर सेल्स एक्शन, आपको पता है हमारे इस दफा का सेल्स एक्शन क्या है कि आप 75 BP करते हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलता है विच आर 3 प्रोडक्ट्स, और अगर आप 100 BP करते हैं तो आपको 2 मोर प्रोडक्ट्स मिलती है, अगर आप 150 करते हैं तो आपको 12 प्रोडक्ट के लगभग प्रोडक्ट्स मिल रही होती है गिफ्ट में। हम उसमें लोगों को कहते हैं आपको 20% ऑफ भी मिल रहा है, अगर आप नए हैं तो ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट भी मिल रहे हैं और आपको ये सेल्स एक्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ पर सारा फोर्स जो चल रही होती है वो यही चल रही होती है कि आप घर का ब्रांड चेंज करें, और आप चीजें में अच्छा इसी चीजें लेने के चक्कर में आपका स्पॉन्सर आपको पुश करता है 150 BP लेने के लिए। तो 150 BP का मतलब ये होता है, अब आप 150 BP की परचेजिंग की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा अमाउंट बनती है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग सेलिंग पर स्पॉन्सर आपको कहता है अच्छा यार आप इतने की अपनी चीजें ले लें, बाकी आप सेल करते हैं, आप अपनी फैमिली फैमिली फ्रेंड्स को ना बताएं और वो आपसे चीजें ले लेंगे, या आप ऐसे करें 150 BP की चीजें खुद ले लें फिर आप अपनी फैमिली में बेच देना। एक कॉन्सेप्ट ये होता है, एक कॉन्सेप्ट ये होता है जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आप इतने की चीजें तो अपनी ले लें और बाकी इतने की जो चीजें हैं वो बेच दें। अच्छा अब ये जो बेचना लेना का कॉन्सेप्ट है बहुत कम लोग इससे आगे बढ़ पाते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आप लोग इसी दंदल इसी जिसे कह सकते हैं कि इसी मेज में आप फिक्स होके रह जाते हैं। अच्छा अब आप हर महीने ये चीजें कर रहे होते हैं, आप चीजें ले रहे होते हैं, चीजें बेच रहे होते हैं इसी में, क्योंकि आपको 20% ऑफ वेलकम गिफ्ट्स ई फ्लायर नजर आ रहा होता है। आप ई फ्लायर में सस्ती प्रोडक्ट लेते हैं उसको महंगी बेचते हैं। अच्छा फिर स्पॉन्सर गिफ्ट, यहाँ पर बहुत से दफा पर हमारे रिक्रूटमेंट कैंपेन्स होती हैं जिसमें स्पॉन्सर को गिफ्ट मिलता है, और अब हमारे पास स्पीड बोनस के नाम से जो अपलाइन है अगर वो नीचे वाले को 3% पर लेकर आती है नए शख्स को तो उसको 1,000 रुपया और आने वाले को 600 रुपया मिलता है। अच्छा ये तमाम चीजें जो हम बता रहे होते हैं उसके अंदर बेसिक क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा है, देखिए ये एक नया सिस्टम है इसके अंदर लर्न करने की चीजें बहुत ज्यादा है, क्योंकि बेसिकली आप इसको ज्वाइन करते हैं देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपका भी स्पॉन्सर कभी कभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, और देखिए लर्निंग की एबिलिटी भी टाइम से क्रिएट होती है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो इतनी हम इंफॉर्मेशन देने की बजाय हम शॉर्टकट पे काम कर रहे होते हैं, तो अब यहाँ पर सिलसिला चल पड़ता है यूजर सेलर यूजर सेलर यूजर सेलर, और हम दिखा किसको रहे होते हैं लीडर, लीडर क्या कमा रहा है 5 लाख, लीडर कहाँ जा रहा है दुनिया के साथ, लीडर क्या कह रहा है कैश अवार्ड, लीडर क्या कह रहा है। और हम जो पिक्चर नीचे दिखा रहे हैं वो यूजर सेलर यूजर सेलर, वो जो शख्स वहां पर मौजूद लीडर बन गया है वो कैसे लीडर बने, क्या वो यूजर है क्या वो सेलर है, क्या आपने उसकी बात को कभी गौर से सुना, क्या आपने समझने की कोशिश की एक्चुअली वो कर क्या रहा है। देखिए काम तो आपने करना ही, व्हाई नॉट डू द राइट स्टफ, काम तो कोई भी कर लेता है मगर राइट स्टफ। देखें कामयाबी और नाकामी के दरमियान एक पाल का फर्क है, कामयाब शख्स एग्जैक्टली राइट कर रहा होता है, नाकाम शख्स नियरली राइट कर रहा होता है। देखिए वो पास जाकर वापस मुड़ जाता है, काम वो भी कर ही रहा है मगर वो पास जाता है और पलट जाता है जब वो कामयाबी के करीब होता है, मगर कामयाब शख्स उसको एग्जैक्टली वैसे कॉपी कर, दैट इज द हुनर जिसकी वजह से वो उन लोगों में कामयाब हो जाता।
अब हमने देखना है कामयाबी का पराया क्या है, सफर क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझने हैं कुछ टर्म्स। ये टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली ओरिजिन में यूज होंगी, इनकी बातों में यूज होंगी, नया शख्स इनको देखकर थोड़ा सा घबरा सकता है, सो इनको आप लिख लीजिए। अच्छा, बीपी। बीपी का मतलब ये है बोनस पॉइंट्स या बिजनेस पॉइंट्स। ओरिफ्लेम की हर प्रोडक्ट के साथ एलोकेट किए गए हैं कुछ पॉइंट्स। जो भी आप प्रोडक्ट्स लेते हैं ओरिफ्लेम की, कैटलॉग जो हमारी पाकिस्तान की है वो 3 महीने की होती है, और उन 3 महीने की कैटलॉग के अंदर 400 प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास 1400 के लगभग प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कैटलॉग 35 जुबानों में ट्रांसलेट होती है। हम 65 कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और 65 की 65 कंट्रीज के अंदर हमारी कैटलॉग और लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है। उसके बाद करेंसी डिफरेंट होगी। हम पाकिस्तान में डील कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से डील कर रहे हैं, हम किसी डॉलर्स येन किसी और मार्केट में डील नहीं कर रहे। उसके बाद हमारी 7 फैक्ट्रीज हैं जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे R&D सेल्स हैं, हमारे पास 160 सुपर साइंटिस्ट हैं। हम नेचर और साइंस के कॉम्बो से अपनी प्रोडक्ट को बनाते हैं और लेकर आते हैं, और बहुत सख्त सेफ्टी मेजर्स के साथ हमारी प्रोडक्ट आती है। किसी प्रोडक्ट में कोई लेड, कोई स्टीरॉइड्स, कोई मर्करी, कोई एनिमल फैट किसी किस्म का नहीं मौजूद होता। ये बात तो हमारी बेसिक होगी। तो हमारी प्रोडक्ट लेते हुए आपको डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है, बिकॉज इट्स टोटली टोटली सेफ। एंड यूरोप के रिगरस जो होते हैं सेफ्टी, अग्रेसिव सेफ्टी मेथड्स के बाद हमारी प्रोडक्ट यहाँ लाई जाती है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के पास एक आपने PDF की सूरत में या हमारी कैटलॉग की हाथ में जो आपने पकड़ी होगी, कैटलॉग की सूरत में एक हमारी कैटलॉग देखी होगी, ठीक है। एक तो मैंने शेयर पिछले दिनों में याद दिहाने के लिए कि हमारी कैटलॉग अगर PDF की सूरत में, एक PDF था जिसके अंदर 80 समथिंग पेजेस का PDF था, जिसके अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स थी और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन थे। अच्छा, उस कैटलॉग के 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा है मेकअप, एक हिस्सा है टॉयलेट्रीज, एक हिस्सा है फ्रेग्रेंसेस और एक हिस्सा है हमारा स्किन केयर। तो ये 4 हिस्से हैं उस कैटलॉग के, जो हर दफा जब नहीं आएगी तो भी इसके 4 हिस्से ही हमेशा से हमने डिवाइड किए। अच्छा, वो जो कैटलॉग है उसकी जो कीमतें हैं, अच्छा यहाँ पर डॉज की एक और वजह, सेलिंग और परचेजिंग की एक बड़ी वजह, परचेजिंग तो इन दी एंड होनी है, सेल तो होनी है प्रोडक्ट, चाहे आप लें चाहे कोई और आपसे ले, मगर उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर 2 कीमतें चल रही हैं। एक कीमत है वो जो कैटलॉग की आपकी प्राइस है, जो कैटलॉग के हर प्रोडक्ट के साथ, मगर जो ही आप मेंबर बनते हैं, और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था आपको मिलता है 20% ऑफ, वो जो 20% ऑफ है वो जाता है आपकी अगर अपनी चीजें हैं तो आपकी बचत के तौर पर आपके साथ काम करता है, और अगर आप किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो इमीडिएट प्रॉफिट। अब चूंकि कंपनी ने आपको फ्री हैंड दे दिया कि यू कैन सेल द प्रोडक्ट, तो बहुत से लोग सेलिंग से आगे नहीं जाते, उनके अंदर बहुत सा स्पार्क है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उनके अंदर बहुत हुनर है, मगर वो उसको कभी टेस्ट एंड ट्राई नहीं करते, वो यहीं तक ही रह जाते हैं। उसके बाद CP प्राइस हो गई, कंसल्टेंट प्राइस फॉर मेंबर्स। उसके अलावा एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं BV। BV स्टैंड्स फॉर बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। आप लोगों को जो कंपनी पैसे देती है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना इतने लाख कमाती हूँ, वो मैं कहाँ से कमाती हूँ, मेरी और मेरी टीम। मेरी टीम जिस तरह मीडिया टीम होती है, जिस तरह आपकी जो है लीडर की टीम होती है, जिस तरह एक पॉलिटिशियन की टीम होती है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशनल टीम होती है, जैज की टीम होती है, नेटवर्क्स की टीम होती है। तो मेरी और मेरी टीम का मतलब ये है, एक एक वो जो टीम होती है आपकी और आपकी बेसिकली फर्ज करें मैं यू फॉर्म में काम करती हूँ, ठीक है। तो मैं एक सीनियर पोजीशन पे हूँ और मेरे नीचे मेरी टीम है, तो मुझे और मेरी टीम को कौन पे कर रहा है, यू फॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से आप एक पोलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, तो आपको भी वो पार्टी से आप कमा रहे हैं, और वो जो आपके हामी है वो भी उसी तरह से किसी तरीके से कमा रहे हैं। इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टीम वर्क में सूरत में आप लोग काम करते हैं, मगर अगर मैं बात करती हूँ ओरिफ्लेम की टीम की, तो वो क्या होती है, वो लोग होते हैं जिन्हें आप अपने साथ लेकर आते हैं। अच्छा, अब मैं तो यहाँ पर ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट लेने आई, तो मैं किसको लेकर आऊँ, मतलब क्या मतलब है आपका, मैं कहाँ से लेकर आऊँ लोग, तो
आपके बहुत से रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जिनको आप जानते हैं, जो अगली स्लाइड में मैं जाकर आपको बताऊंगी, उनको आप अपने साथ इनवाइट करते हैं, जैसे आप ज्वाइन हुए किसी के साथ, आप उन्हें ज्वाइन करवाते हैं अपने साथ, चाहे वो यूजर है, चाहे वो बेचना चाहते हैं, चाहे वो यूजर बनना चाहते हैं, चाहे वो ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो लोग करना चाहते हैं, ठीक है। सो जब आप और आपकी टीम मिलकर काम कर रही होती है तो उस पर जो आपको पैसे कंपनी देती है उसको बेबी बोलते हैं, और उस पर आपको कमीशन या मंथली पैसे मिलते हैं। अब जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतने ज्यादा आप पैसे कमाएंगे, इफ दे आर एक्टिव, अदर यानी वो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। कुछ चार टर्म्स आपको और मैं बताऊंगी जो आपको पता होने जरूरी है। वन इज प्रॉस्पेक्ट। हमारे इस काम में बीवी, बीपी और सीपी के अलावा जो टर्म यूज होती है, ब्रांड पार्टनर के अलावा जो टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट नाम से पता लग रहा है, हर वो शख्स जिसने ओरिजिन ज्वाइन नहीं किया हुआ और हम उसे शक की नजर से देखते हैं, यानी हम उसको देखते ही हमारे जहन के अंदर एक आइडिया आता है कि यार इसको हम ज्वाइन करवा सकते हैं, मेकअप बड़ा करती है, इसको हम ज्वाइन करा सकते हैं, यार इसको पैसों की जरूरत है, यार ये स्किन केयर में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली स्किन केयर यूज करती है, ये ट्रैवल करना चाहती है, इसको बहुत ट्रैवलिंग का शौक है, तो इसको हम ज्वाइन करवा सकते हैं। अभी वो मेंबर नहीं बनी मगर आप उसे शक की निगाह से देख रहे हैं उसको देखकर। और कुछ लोग प्रॉस्पेक्ट उसे भी कहते हैं जिसको वो चीजें बेचना चाहते हैं, यार मैं इसको बेच दूं। आप लोग जो आम लोग काम कर रहे होते हैं वो जब सेलिंग ही कर रहे होंगे तो वो उस शख्स को सिर्फ सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, यार ये मेरा प्रॉस्पेक्ट है इसको मैं बेच दूं। मैं उसी प्रॉस्पेक्ट को वो किसी भी कैटेगरी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो प्रोडक्ट यूजर हो, चाहे वो सेलर ही बनना चाहे, चाहे वो लीडर बनना चाहे, वो ट्रैवलिंग करना चाहे, वो नीडी हो, वो ग्रीडी हो, मैं उसको मेंबर के प्रॉस्पेक्ट में देखती हूँ। वो जो मर्जी अपने कोर्ट के साथ करें, मेरी कोशिश होती है उसको अपने साथ ज्वाइन कराऊं और मेंबर बना। दूसरा शख्स होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्स आपने देखे हैं कि बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं, उनको कोई ऑर्गेनाइज जो एक इवेंट हो रहा है, फर्ज करें कोई, आपने अक्सर जो होता है टेनिस को ओरिफ्लेम ने स्पॉन्सर किया होता है, यूके वगैरह में, यहाँ स्पॉन्सर होता है जो स्पॉन्सरिंग उसकी करता है, उसके फंड्स वगैरह देता है। ओरिफ्लेम में स्पॉन्सर कौन होता है? हर वो शख्स जिसने आपको ज्वाइन करवाया हो ओरिफ्लेम के अंदर, वो आपका स्पॉन्सर है। जैसे मैंने आपको बताया मेरा स्पॉन्सर 2009 में कौन थी? कंपनी। आपको अब आपकी जो अपलाइन है या आपका जो ऊपर बैठा हुआ है या जो आपको इस काम के अंदर एक्चुअली लेकर आया है, वो शख्स आपका स्पॉन्सर है, ठीक है। आप किसी को लेकर आते हो तो आप स्पॉन्सर बन जाते हो। अपलाइन, अपलाइन के अंदर बहुत से लोग आ सकते हैं। अपलाइन के अंदर सबसे पहले वो शख्स आता है जो आपका स्पॉन्सर होता है, वो आपके अप पर बैठा हुआ है, ऊपर की लाइन में बैठा हुआ है। फिर आपका मैनेजर भी आपकी अपलाइन हो सकता है और आपका अपलाइन डायरेक्टर भी हो सकता है स्पॉन्सर का स्पॉन्सर। डाउनलाइन, नीचे की लाइन। डाउनलाइन किसे कहते हैं? आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको हम डाउनलाइन कहते हैं, या मेरी टीम में जितनी भी डाउनलाइंस हैं, यानी मेरे मेरे मैनेजर्स या मेरे डायरेक्टर्स या मेरी डाउनलाइन, वो तमाम लोग जो आपके नीचे आते हैं डाउनलाइंस। आप गौर से सोचिए, आप गौर से इन्हीं चारों टर्म्स को एक दफा फिर सोचिए। अगर प्रोडक्ट बेचनी ही होती तो इन टर्म्स की कंपनी को क्या जरूरत थी? बीवी की तो जरूरत ही नहीं थी कि आपकी पूरी टीम का कमीशन जनरेट होगा। प्रॉस्पेक्ट हमें क्यों करना है? अगर हमें सेल करना है तो यहाँ प्रॉस्पेक्ट की जगह लिखा होता सेलिंग, सेलर। अच्छा, स्पॉन्सर, क्यों स्पॉन्सर हमें चाहिए? क्यों हमें अपलाइन चाहिए? क्यों हमें डाउनलाइन चाहिए? इसका मतलब है अप कोई होगा तो टीम के ऊपर होगा, डाउन कोई होगा तो टीम के नीचे होगा। और ये सिर्फ मेरे लिए बातें नहीं बनी हुई है, ओरिफ्लेम जो लोग ज्वाइन करते हैं उसके लिए बनी हुई है, तो हर एक की एक अप और एक डाउन तो कोई होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्चुअल क्रक्स जो है वो टीम बिल्डिंग की, एक्चुअल मजा, एक्चुअल पैसा टीम बिल्डिंग पर है। सो टीम बिल्डिंग इज द रियल वे टू ग्रो। अच्छा जी, वही जो बीवी बीपी की बात है, अब मैं आपको थोड़ी और एलेबोरेट करूंगी। सीपी की मैंने बात की थी कंसल्टिंग प्राइस, मैंने आपको बात की थी कैटलॉग की। फर्ज करें ये एक तस्वीर है, मैंने कैटलॉग से ही उठाई है इस। अच्छा, जिस तरह आपका कोड है, आपको एक नंबर कंपनी ने दिया और उसको आपका कंसल्टेंट नंबर बोलते हैं हम, या आपका ब्रांड पार्टनर नंबर बोलते हैं, इसी तरीके से प्रोडक्ट का भी एक नंबर है। हर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नंबर
एलोकेट किया गया। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, ये नंबर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस प्रोडक्ट का नहीं है, मैंने आपको बताया 65 मुल्कों में ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट मौजूद है, 65 मुल्कों में यही नंबर इस प्रोडक्ट का है, नंबर प्रोडक्ट का नहीं बदलेगा। सो अगर आपको किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पर जाओ, लिखो ओरिफ्लेम, उसका कोड लिखो प्रोडक्ट का या नाम लिखो, आपको उसकी तमाम डिस्क्रिप्शन गूगल पे मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सल कोड है, एक ही कोड है। इसके साथ ही इसकी रुपीज में कीमत लिखी हुई है 1669, इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट लिखी है, ठीक है, और इसके साथ लिखे हैं 17 BP, नाम क्या है, जुरानी गोल्ड एसेंसा परफ्यूम बॉडी क्रीम, इसके बीपी लिखे। अब आपने जो देखना है, ये एक पेपर है जिसको हम बोलते हैं CPL। आसान तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत आसान तरीका, आपके पास ये पेपर नहीं है, नो वरीज, आपके पास CPL, इस पेपर को बोलते हैं CPL कंसल्टेंट प्राइस टेस्ट, आपके फर्स्ट ऑर्डर के साथ आपकी घर आती है, आप जब ऑर्डर करते हो और आपको ये मिलती है आपकी स्टार्टर किट के अंदर, और जिन लोगों की नए नहीं है उनको स्टार्टर किट उनके पास नहीं है, तो उनके फर्स्ट ऑर्डर में उनके ऑर्डर के साथ ये पेपर आता है और कैटलॉग भी आती है। अच्छा, अब मेरे पास ये पेपर नहीं है फॉर इंस्टेंस, और मुझे इस कीमत प्रोडक्ट की कीमत देखनी है, तो आसान तरीका क्या है, मैं कैटलॉग में इसकी जो कीमत है 1669 इसको लूंगी, कैलकुलेटर खोलूंगी, उस पर लिखूंगी 1669, माइनस का साइन डालूंगी, 20 लिख के परसेंटेज का साइन डालूंगी, 20 लिख के परसेंटेज का साइन डालूंगी, इक्वल का साइन डालूंगी, तो मेरी कीमत जो कैटलॉग की कंसल्टेंट की है 20% प्लस का निकल आएगी। तो बहुत आसान तरीके है अपनी प्राइस निकालने का, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपके पास CPL नहीं है, आप बहुत आराम से अपनी प्रोडक्ट की प्राइस निकाल सकते हैं, आप एक्चुअल प्राइस लिखेंगे कैटलॉग की, माइनस का साइन डालकर 20% ऑफ मिलता है 20, और परसेंटेज का साइन डालना नहीं भूलेगा, इज इक्वल डालेंगे आपकी प्राइस निकल आएगी। अच्छा, अगर मैं CPL की बात करूँ तो जिस तरह 31781 लिखा हुआ है, यहाँ 31781 लिखा हुआ है, GG Essence Perfume इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, 17 BP यहाँ भी लिखे हुए, यहाँ भी लिखे हुए, और 1335 लिखा हुआ है, आप जब अगर 1669 में से 20% निकालते हैं तो वो 1335 निकलता है, यानी CP प्राइस आपकी ये है, समझ आ गई। तो बहुत आसान है अपनी प्राइसेस निकालना, तो आपको इस प्रोडक्ट के साथ कितने बीपी मिल गए, 17 BP मिल गए। अच्छा, CPL इस तरह की एक चीज होती है, ये मैंने सेल का CPL निकाला, क्योंकि दिस क्लास इज ऑल अबाउट बिजनेस, बिजनेस को करने के कुछ तरीके भी मौजूद हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि जब आप मेंबर बनते हैं तो बहुत से लोग ये गलती बार हा कर रहे हैं, मैं आज उस गलती को बार बार आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बहुत सी दफा बता चुकी हूँ। जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है ओरिफ्लेम के एंड से, वेलकम टू ओरिफ्लेम, आपको ये आपका कंसल्टेंट कोड है, ये आपका पासवर्ड है, और एक लिंक आपको दे दिया जाता है हमारी वेबसाइट का, ठीक है, उसके अंदर एक लॉगिन एरिया का लिंक दे दिया जाता है। हम लोग उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, जबकि उस मैसेज पर आपका रद्द अमल नए और पुराने लोगों का क्या होना चाहिए और नए अपने लोगों को क्या बताएं, सबसे पहले अपनी फोन बुक के अंदर चले जाएं, जो आपकी एक कॉन्टैक्ट्स की फोन बुक है, उस फोन बुक के अंदर आप ओरिफ्लेम का ब्रांड पार्टनर नंबर या कंसल्टेंट नंबर के नाम से अपना कंसल्टेंट नंबर सेव करें और ओरिफ्लेम पासवर्ड के नाम से अपना पासवर्ड सेव करें। बहुत आसान तरीका है अपनी डिटेल्स को अपने फोन के अंदर रखने का, बार बार कौन मैसेज में जाए, मैसेज डिलीट हो जाता है, चीजें आगे पीछे हो जाती हैं, तो ये आपका फर्स्ट काम। दूसरा आपका काम क्या है कि आप उस लिंक पे जाओगे मेंबर बनते ही, जो उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है, आप उस वेबसाइट पे जाओगे तो वो आपको अंदर साइन इन की ऑप्शन देगा कि अपना पासवर्ड और वही कंसल्टेंट कोड जो आपने अभी फोन बुक में सेव किया है वो यहाँ पर लगाएं, आप वहां पर लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद कुछ टर्म्स और कंडीशंस आपको दी जाएंगी जिनको आप अग्री करोगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जब तक आप अग्री नहीं करोगे आप मजीद आगे प्रोसीड कर नहीं सकते, तो आप सबसे पहले उससे अग्री करोगे और उस अग्रीमेंट के बाद आपको फौरी तौर पर एक चीज नजर आएगी विच इज कॉल्ड 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग। अच्छा, ये जो 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग है, पीपल टेक देम वेरी लाइटली, दे गो थ्रू इट, मैंने एक दो लोगों को कहा आपने 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग किए, कहती है हमें समझ नहीं आ रही है, जबकि वहां पर तो ना समझने वाली, वो 17 स्टेप्स हैं, आपने एक
जहाज के अंदर बोर्डिंग करनी है। जहाज में जाने के वो 17 स्टेप्स हैं, कि आप जहाज के अंदर बैठोगे, जहाज जाएगा किस मंजिल पे वो बाद की बात है। आपने एक डेस्टिनेशन डिसाइड की कि मैंने कामयाबी की डेस्टिनेशन लेनी है, ठीक है। आपने वो डेस्टिनेशन डिसाइड करने के बाद आप बैठ गए, जहाज तक जाने का अमल एयरपोर्ट के दरवाजे से जहां से आप एंटर करते हैं उसके बेशुमार स्टेप्स हैं। आपके पास वैलिड वीजा होना चाहिए उस कंट्री का जहां आप जाना चाहते हैं, आपके पास पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास टिकट राउंड ट्रिप होना चाहिए, आप अपना आईडी कार्ड भी होना बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास है, आपके पास एक सर्टेन लगेज होना चाहिए। तो आप तो ओरी फ्लेम के वो 17 स्टेप्स में से हर स्टेप को एक ही दिन में नहीं देखना, आप उस स्टेप को देखें। उसको देखने के बाद कुछ सवाल आपके पास आएंगे, एक रजिस्टर खरीदें, एक पेन खरीदें, वो लिखें कि मैंने फर्स्ट स्टेप ऑफ बोर्डिंग को देखा, ये मुझे समझ आया और ये मुझे नहीं आया। डू इट, देखें आपको हार्ड वर्क पेस ऑफ, ये तो नहीं है, ये कोई लॉटो भी नहीं है, ये कोई वो भी नहीं है, जादू की छड़ी भी नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और आपको कुछ हो जाए, चीजें मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आपको वो बोर्डिंग का हर स्टेप को यानी 17, इसमें आपको बहुत जहन पड़े। इसी के साथ साथ आप अगर कंपनी की चाहें, अपने सीनियर्स की चाहें, अपने डायरेक्टर की चाहें, ट्रेनिंग्स में, क्योंकि ट्रेनिंग वो वाहिद आपका टूल है जो आपको आगे लेके जाएगा। आप घर बैठ जाएं और आप इस इंतजार में रहें कि आपको कोई ऊपर से आमद होगी, कोई गिफ्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आपको इस वक्त रहनुमाई की जरूरत है। अब होता यह है कि नॉर्मली जो एक और मुझे भी रीजन लगता है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, उनके पास बहुत सा काम अपनी प्लेट में होता है और उनके पास बहुत से लोग होते हैं, सो वो इंडिविजुअली वन टू वन करने में नाकाम हो जाते हैं। मगर जब अब मैं अगर हम लोगों की बात करूं, अपने नेटवर्क की बात करूं, मैं लोगों के नेटवर्क की बात नहीं कर रही, तो हम तो एवरी डे बेसिस पर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, चाहे कुछ भी है उसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स पर टच कर रहे हैं। पर मेरे यूट्यूब चैनल पर बेशुमार ट्रेनिंग्स लगी हुई है, मतलब आप लोगों का एक्सेस मेरे तक, ग्रुप तक, पर्सनल नंबर तक, ट्रेनिंग्स तक तो बहुत इजी है। मैं जनरली स्पीकिंग ओरिफ्लेम लीडर्स की बात करूं तो उन तक एक्सेस इजी नहीं, वो इस तरह से ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे होते, कंडक्ट कर रहे होते। तो आप लोगों को लर्निंग का तो फुल चांस है। मैं हम लोगों के लिए ऐसे लर्निंग इतनी आसान नहीं थी, इतनी ट्रेनिंग्स नहीं थी, हमने बहुत मेहनत से चीजें तैयार की। तो जब आप ये तमाम चीजें कर लेंगे तो उसके बाद आप एक और स्टेप पे जाएंगे, फिफ्थ स्टेप। क्योंकि हम बिजनेस बिल्ड की बात कर रहे हैं तो बिजनेस को बिल्ड करने के एक सर्टन रूल्स हैं। 17 स्टेप्स के बाद आप जाएंगे, ट्रेनिंग्स आप ले रहे हैं, आप ओरिफ्लेम की 4 एप्स मौजूद हैं, उनको डाउनलोड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, मगर इनको डाउनलोड करने से पहले आप जाएंगे पहले वाले स्टेप पर जो आपने कर लिया। अगर आप वो स्टेप नहीं करते, यानी लिंक पे नहीं जाते, टर्म्स और कंडीशंस को यस नहीं करते, 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग नहीं गो थ्रू करते, तो ये एप्स वर्क नहीं करेंगे। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, एंड्रॉयड फोन है, आईफोन है, तो आप वहां पे जाकर अपने स्टोर से, जिसका जो भी फोन है उससे जाकर ये 4 एप्स को डाउनलोड करोगे, विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वन इज ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप, वन इज ओरिफ्लेम ऐप, वन इज मेकअप विजिट, वन इज स्किन केयर एक्सपर्ट। इन एप्स को डाउनलोड करने के बाद जिनके पेंसिल मुल्कों में ओरिफ्लेम है, आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट करना है सबसे पहले इन 4 एप्स के अंदर, अपनी कंट्री, अपना वही पासवर्ड और कंसल्टिंग कोड इसमें डालेंगे तो ये वर्किंग कंडीशन में आ जाए। सो अब आपका बेसिक काम हो गया, आपने 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग भी कर दी है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए और आपने सोच लिया कि मेरी मंजिल जो है वो ये है और मैंने जहाज में बैठने का अमल कर लिया। अब हमने मंजिल पे जाना किस तरह से है, ये एक पुल का काम करेगा जो स्लाइड में अब आप दिखाऊंगी, ये बेसिक वो पुल है जिस पर आप चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। और इस पुल को कहते हैं ये 3 टेक्निक्स जिस पे आपने एक्चुअली एज अ बिगनर, आप नए हो तो काम करना है, आप एक कंसल्टेंट हो तो काम करना है, आप 0 पर हो 3 पर हो 6 पर हो 9 पर हो, तो ये आपका सक्सेस का प्लान है। यहाँ पर हर डेजिग्नेशन का सक्सेस प्लान फर्क है। आपका प्लान फिलहाल ये है, नए लोगों का आपका प्लान क्या है, आपने 20 कैटलॉग्स लेनी है ओरिफ्लेम। अब ये चीजें देखा जाए तो आप देखोगे, देखो आप स्कूल भी जाते हो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए स्कूल जाते हो, अपना फ्यूचर बेहतर करने के लिए स्कूल जाते हो, डिग्री हासिल करने के लिए स्कूल जाते हो, एक अच्छे ओहदे पे कायम करने के लिए स्कूल जाते हो, मगर आपको बेस पे ट्यूशन भी देनी पड़ती है, आपको ट्यूशन फी भी भरनी पड़ती है, आपको स्कूल की फीस भी भरनी पड़ती है, आपको यूनिफॉर्म भी लेना पड़ता है, आपको होमवर्क क्लास वर्क भी करना पड़ता है, आपको
स्टेशनरी भी लेनी पड़ती है, आपको लंच बॉक्स भी लेना पड़ता है। आप बेसिक अराउंड ऑफ थिंग्स जाते हैं आप अपने आप को बेहतर करने के लिए, मगर आपको बहुत सा कुछ पे करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको मेहनत और टाइम जरा ज्यादा लगेगा। तो आप 20 कैटलॉग्स लेंगे, बाय करनी पड़ेंगी। आप ओरिफ्लेम से बाय करें। आप सबको मैं एक दफा फिर दोबारा बता दूं, बहुत से लोगों को लगता है ओरिफ्लेम की मेंबरशिप इज फॉर फ्री, इट इज फॉर 498 रुपीज। आप ऑनलाइन रजिस्टर जरूर होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मगर जो ही आप अपना फर्स्ट ऑर्डर करोगे, जो आप कभी ना कभी करोगे, तो आपकी वो मेंबरशिप फीस कट जाती है। नए लोगों को एक बात मैं फिर बता दूं, अगर आप ज्वाइनिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ऑर्डर नहीं करते हैं, कोई भी ऑर्डर, 1 रुपए का ऑर्डर, तो कंपनी आपका कोड टर्मिनेट कर दे। सो आप नहीं चाहोगे कि आपका कोड टर्मिनेट हो जाए, और आप यहाँ से आप कुछ ना कुछ गेन जरूर करो। तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर कोई ना कोई ऑर्डर जरूर करना है, जिसके अंदर अगर आप फर्स्ट मंथ ही कर लेते हो, दिस इज वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब आपने उन 20 कैटलॉग्स का क्या करना है? कंपनी पहला स्टेप बता रही है शो। शो का मतलब है दिखाएं। किसको? लोगों को, अपने जानने वालों को वो कैटलॉग दिखाएं। मगर वो जानने वाले आएंगे कहाँ से? अब देखिए, फर्ज करें आपके बेटे की शादी है, या आपकी जो है बच्चे की सालगिरह है, तो आप क्या करोगे सालगिरह पे बुलाने के लिए? पहला काम, आप एक नेम लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले आप पेन उठाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आपका सोशल सर्कल बड़ा है छोटा है, आप अमीर हैं आप गरीब हैं, ये स्टेप हर शख्स करेगा। वो एक पेन पेपर उठाएगा और एक जानने वालों की लिस्ट बनाएगा। ये शुरू होगी आपके इनर सर्कल से, जिन लोगों के नाम आपके जहन में सबसे पहले आते हैं वो लोग हैं जिन पर आप एतबार करते हैं, क्लोज हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, और आपके करीबी रिलेटिव्स हैं। इसमें आपकी बहन, भाई, भाभी, देवरानी, जेठानी, नंद, नेबरहुड के लोग, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और मुख्तलिफ जिन ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं वो लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप उनकी लिस्ट बनाओगे, और उसके बाद उन्हें कैटलॉग दे दोगे। शो करने का मतलब नहीं दिखाया चा और वापस ले ली, ऐसा नहीं करोगे। दिस इज वन स्टेप जो बहुत से लोग मिस्टेकन नहीं करते हैं, मगर उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा फेलियर बन जाती है। वो कैटलॉग देने पर नहीं, दिखाने पर बिलीव करते हैं। आप अपनी कैटलॉग दे आए उनको। कैटलॉग के ऊपर कुछ आपने चीजें जेन में रखनी है, अपना स्टिकर विद फोन नंबर। एक प्रिंटर से आपको कोई भी स्टिकर बना देगा, आप उस पर अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए, आप वो कैटलॉग के टॉप पे लगा दीजिए और अपने जानने वालों को वो कैटलॉग दे दीजिए। दिस इज द, मैं आपको वो स्टेप्स बता रही हूँ जो आप बिजनेस करने के स्टेप्स हैं। अगर ये हैं बड़े माइनर स्टेप्स, मगर जब आप ये नहीं करते तो मेजर सक्सेस दूर हो जाती। उसके बाद कुछ लोगों को, कुछ लोग हो सकता है आपकी कैटलॉग को देखें, एंड दे विल आस्क अबाउट एवरीथिंग, और या दे विल आस्क अबाउट द प्रोडक्ट। पहला आपका स्टैंड यही होना चाहिए, चाहे वो यूज करने के प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो आप जो है वो पूछ रहे हैं ओरिफ्लेम से, आप उन्हें इनवाइट करें। आप उन्हें इनवाइट कहाँ पे करेंगे? आपका ख्याल है किसी इदारे में इनवाइट करेंगे? नहीं, इनविटेशन मींस आप उन्हें फौरी तौर पर ये बोलें। यहाँ पर इनवाइट से मुराद है कि उन्हें फौरी तौर पर बोलें, यार आप आए और मेरी टीम को ज्वाइन करें, आप आकर मेरे मेंबर बन सकते हैं। और आपने उन्हें इनवाइट करना है कि वो आपकी टीम का हिस्सा बने। अच्छा, वो जो टीम का हिस्सा हो सकता है बगैर किसी दिक्कत के बन जाए, हो सकता है थोड़ा आपके समझाने पे बन जाए, हो सकता है आपको उन्हें किसी प्रेजेंटेशन में इन्वाइट करना पड़े। अब मैं आपको बताती हूँ, हर पीर वाले दिन 12 बजे जो क्लास होती है वो उन तमाम नए प्रोस्पेक्ट्स के लिए होती है जो अभी मेंबर नहीं होते, जिनसे आपकी बात जा रही होती है, आप उन्हें उस ओएम का पार्ट बना देते हैं। हर ओएम या लाइफ चेंजिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो उन तमाम लोगों के लिए होती है जो अभी आपकी टीम का हिस्सा नहीं बने हुए होते और आप उन्हें सस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और जब आप उन्हें इनवाइट कर लेते हैं कि वो आपके साथ आकर ज्वाइन करें आपकी टीम को, चाहे वो यूजर हैं, कोशिश करें उनको आप इनवाइट करें और उनके साथ उस मीटिंग को अटेंड करें। ये नहीं कि आपने लिंक भेज दिया जूम का किसी को और उसे कह दिया कि यार तुम भी देखो, आप उसे कहें, या आप ऑफिस में एक मुझसे प्री प्री का मतलब ये होता है पहले, मेरा एक मंथली स्केड्यूल होता है जिसको मैं फॉलो कर रही होती हूँ, और जब से कोविड आया 2-2.5 साल तकरीबन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बट अगर आप चाहते हैं, जिस तरह हमने पहले फेशियल क्लास की थी, तो उसके लिए कम से कम 10-12 लोगों का होना जरूरी है। आप मिलकर बाकी लीडर्स के साथ भी एक वो कर सकते हो कि आप ऑफिस में चाहते हैं तो, क्योंकि ऑफिस का एक अपना एनवायरमेंट है, मुझे उधर परमिशन लेनी पड़ती है, सब कुछ।
जाहिर है कोविड की भी सिचुएशन है, तो हमें बहुत सी चीजों को देखकर उस क्लास को कंडक्ट करना पड़ता है। मगर आप चाहें तो आई कैन डेफिनेटली डू दैट फॉर यू, अगर आपको स्किन केयर क्लास चाह रहे हो, आप मेकअप क्लास चाह रहे हो या ओएम चाह रहे हो। सो आपने उनके साथ अटेंड करना है, ये नहीं कि यार आप तुम्हें मेरा की क्लास ले लो तो मैं तुमसे ना फिर फीडबैक ले लूंगी। नेवर एवर डू दैट। आपको उसको यकीन दिलाना है मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में, इवेंट्स में, आप उसके साथ अटेंड करो, वरना वो आपके साथ नहीं चलेगा। तो ये तीन स्टेप्स हैं जो हर नए आने वाले के लिए है, जो नया है, जो जीरो पर है, जो टीम बनाना चाह रहा है, जो जो है 3, 6 या 9% पर है। ओके जी, ये एक कंसल्टेंट नेम बैंक के नाम से एक पेपर होता है जो स्टार्टर किट के अंदर मौजूद होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी आपकी स्टार्टर किट के अंदर टेस्टर है, नो, उसके अंदर प्रिंटेड मटेरियल होता है जिसे आप पढ़ सकते हैं अपना बिजनेस डेवलप करने के टूल्स। उसमें से कैटलॉग मैंने बताया, सीपीएल बताया, इसी तरह से कुछ बैंक स्लिप्स उसके अंदर हैं और हमारा कंसल्टेंट नेम बैंक उसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी, कंसल्टेंट नेम बैंक यानी बैंक वो जगह होती है जहाँ आप सबसे कीमती चीजों को रखते हैं। सो आपका सबसे कीमती सरमाया, देखें अगर कंपनी सेलिंग कह रही होती तो यहाँ पर सबसे कीमती चीज प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट नेम बैंक। मगर यहाँ लिखा हुआ है कंसल्टेंट नेम बैंक, यानी आप कंसल्टेंट हैं, आपके उन जानने वालों का बैंक जिन्हें आप ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, लुक ग्रेट की, हैव फन या मेक मनी की, जिसमें आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हों, और उन्हें आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप अपने उनके नाम लिखेंगे। आप नाम लिख सकते हैं, उनका फोन नंबर होना जरूरी है, और ये वो 20 कैटलॉग्स हैं जो आपने ली थी, इस लिस्ट के अंदर उनके नाम होने चाहिए, इनको आप टिक करें। मैंने शायस्ता को दे दी, किस तारीख को दी, 2 तारीख को दी। अच्छा, आपने फीडबैक कब लेना है, आपने 24 घंटे के अंदर शायस्ता को कॉल करनी है, सामने तुम शायस्ता कैसे हो, होपफुली आपने कैटलॉग देखी होगी, शायस्ता आपको जो रिमार्क्स दे, जो आपने डायरी खरीदी थी पैसों से जिसके अंदर आप 17 स्टेप्स ऑफ वोटिंग लिखे थे, उसके अंदर शायस्ता के नोट्स बनाए, डेट लिखें, टाइम लिखें कि मैंने शायस्ता को इस डेट को कैटलॉग दी थी, मैंने शायस्ता को इस डेट पे कॉल की। Now this is really working. This is not हवा में कोई बात नहीं हो रही, दिमाग में कोई बात नहीं हो रही, खाली आपको पता हो मैंने शायस्ता से बात की थी। हम इंसान हैं, humans हैं, भूल जाते हैं। आपके लिए नया काम है, जो आपने नोट्स बनाए होंगे, you can go back and refer to your notes. Okay, fine. मेरी से एक गुफ्तगु हुई थी, उससे मुझे कहा था मेरा बेटा बीमार है, तो आपने नेक्स्ट कॉल करनी है, सामने तुम शायस्ता कैसे हो, शायस्ता बेटा कैसे यार, you just told me few days back आपका। और जब आप उससे पहली कॉल में उसकी जात, उसके बारे में, जातियात के बारे में, उसके बच्चों के बारे में पूछेंगे, यकीन कीजिए वो आपकी मेंबर बनेगी। मगर उसको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि यार देखो, शी सो कंसर्न्ड अबाउट माय किड्स या मेरी सेहत या एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने बिल्कुल नहीं भूलना अगर आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है। कल मैंने आपको टैगलाइन बताई थी, मेक मनी टूडे एंड फुलफिल योर ड्रीम्स टुमारो, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपने पैसे बनाने और ख्वाबों को पूरा करना है, इन स्टेप्स को आपको करना ही पड़ेगा। आप नए हैं, पुराने हैं, शो करनी है कैटलॉग रोज के 3 लोगों से, उन्हें इनवाइट करना और अटेंड करनी, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, एक टाइम के बाद आप इस काम को खुद सीख लेंगे, आपको किसी स्पॉन्सर, किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में देना चाहें क्लास, आप अपने घर के अंदर एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने नेबरहुड के लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। वी कैन गिव अ स्किन केयर डेमो, वी कैन गिव अ मेकअप डेमो, या वी कैन गेट अपॉर्चुनिटी मीटिंग विद प्रोडक्ट टेस्टिंग। ओके जी, आगे हम चलते हैं टाइटल्स। अब मैं बहुत देर से एक बात कर रही हूँ और बहुत सी दफा से मैंने बात की, नए लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, यार आप 0 पर हैं, 3 पर हैं, 6 पर हैं, 9 पर हैं, तो आपने ये काम करना। मैंने काफी दफा इस बात को रिपीट किया, अब बहुत से लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात कर रही है, 0, 3, 6, 9, ये क्या स्टोरी है। मैंने जैसे आपको प्रेजेंटेशन के आगाज में बताया था कि प्रोडक्ट के साथ कुछ 20% ऑफ के साथ कुछ पॉइंट्स मिलते हैं हर प्रोडक्ट को जो एलोकेट किए गए हैं। जिस तरह मैंने उस सेंसा की जो क्रीम थी उसके मैंने जुड़ानी गोल के बताए थे आपको 17 भी। तो जब आप ओरिफ्लेम से एक सर्टन अमाउंट की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, देखें सबसे पहली बात तो मैंने उस दिन भी एक क्लास ली थी, शायद डुप्लीकेशन की क्लास थी, उसके अंदर मैंने बताया था जो आप करेंगे आपकी टीम करेगी। और आपका पहला काम सुबह उठते क्या होता है,
अगर कोई माँ सुबह नमाज पढ़ती है और उसके बच्चे छोटे हैं, आप उसको देखते हैं, तो काफी चांसेस है बच्चे नमाज पढ़ेंगे या कुरान पढ़ेंगे। अगर माँ मेकअप करती है तो बहुत चांसेस है बच्चे सुबह उठकर मेकअप करेंगे। माँ जिम जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चे उठ के जिम जाएंगे। और जो वो करती है आप रोल मॉडल हैं, तो अगर आप जो हैं वो एज ए स्पॉन्सर अपने घर का जो ब्रांड, जो हर शख्स की बुनियादी जरूरत है, सुबह वो मुंह धोता है, दांत साफ करता है, शैम्पू करता है, कंडीशनर करता है, तेल करता है, ये घर की बुनियादी जरूरत की चीजें हैं। अगर आप अपना ब्रांड खुद बदलेंगी, जिस पर आपको 20% ऑफ और गिफ्ट मिल रहे हैं, जिसमें सेल्स एक्शन भी है, वेलकम गिफ्ट भी हैं और बहुत कुछ है, तो अभी आपने सिर्फ बेची है, बेची नहीं है, यूज की है, तो चांसेस है आप जितने लोगों को इनवाइट कर रही हैं, चाहे एज अ यूजर कर रही हैं, चाहे एज अ सेलर कर रही हैं, चाहे एज अ लीडर कर रही हैं, तो वो भी यही काम करेंगे सुबह उठकर पहला। सो आप अगर खुद अपने 200 BP कर लेते हो, अच्छा अब 200 BP किस चीज का नाम है? पेन पेंसिल रख दीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक जब आप ओरिफेम से प्रोडक्ट 1 BP, देखें आप मुझे कहेंगे कि जी हमारा 100 BP कितने के होते हैं, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। सो 100 BP जानने से पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि हमारा 1 BP कितने का है, ठीक है? सो 1 BP है हमारा 93 रुपीज का। तो अगर 1 BP हमारा 93 रुपीज का है, तो 100 BP हमारे तकरीबन 9,000 के लगभग बनते हैं। वैसे तो 9,000 से थोड़े से कम ही होते हैं, 8,000 समथिंग के हो जाते हैं, मगर चलें मैं बिल्कुल ही आपसे उस तरह की बात करती हूँ जी 9,000 के बनते हैं। तो मैंने एक टर्म और यूज की थी बीवी की, एक बीवी कितने का होता है, ये आप लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहें। एक बीवी कितने का होता है? एक बीवी है हमारा 63 रुपीज का, ठीक है? अब बीवी और बीपी में क्या फर्क है? सीपी तो पता लगे कंसल्टिंग प्राइस है, बीपी जब आप कोई चीज परचेज करते हैं ओरिजिन से, तो आप कस्टमर भी हैं और ब्रांड पार्टनर भी। जब आप कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में एज अ कस्टमर कोई चीज बाय कर रहे होते हैं, तो एक खास जो है टैक्स, जिसे कहते हैं GST, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, वो आपकी प्रोडक्ट पे लगा होता है, हर चीज पे लगा होता है GST। आप खाना खाने जाते हैं उस पे GST, हर चीज पर है। तो उस जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो ये जो 93 रुपीज मैं बता रही हूँ 1 BP के हैं, तो उसके अंदर GST डली हुई है। इसके अलावा इम्पोर्ट टैक्स वगैरह डाला है, क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है ना, मार्केट में मिलती है ना बाजारों में मिलती है ना, इसका आप बिलबोर्ड्स देखेंगे, ये सिर्फ आप ओरिफ्लेम से ले सकते हैं, ओरिफ्लेम के मेंबर से ले सकते हैं, आप खुद मेंबर बन के ले सकते हैं। सो ये आपको बेयर करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पर जिस तरह मैं टैक्स पेयर हूँ और मेरी जो स्टेटमेंट मेरे इनकम टैक्स को जाती है वो ओरिफ्लेम की तरफ से जाती है, बिकॉज वो मुझे कहते हैं इतना कमीशन कमाती है, इतना टैक्स पे करती है एवरी मंथ और ईयरली ये टैक्स होता है, तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। और ये टैक्स का आपको क्या फायदा होता है, ये टैक्स आपकी ट्रैवलिंग में काम करता है, आपने बहुत सी चीजें लेनी होती हैं, आप टैक्स पेयर होते हैं, आपको बहुत से एडवांटेजेस होते हैं घर लेने में, गाड़ी लेने में, सो ऑन। और आप एक पाकिस्तानी शहरी अगर हैं, आप बाकी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, तो आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। सो जो बीवी होता है, बीपी के अंदर तो जीएसटी सब कुछ डली हुई है, मगर बीवी के अंदर वो जीएसटी मौजूद नहीं होती, वो काट लेती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओरिफ्लेम, और आपको उसके बाद जो पे करते हैं वो बीवी की सूरत में करते हैं, इसलिए बीपी 93 का है और बीवी 63 का, ठीक है? ओके, जब आपने अपनी टीम के साथ मिलकर 200 पॉइंट्स कर लिए, यानी 100 मैंने कर लिए, और मैंने जब ये 20 कैटलॉग्स नहीं थी, मैंने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया और वो मेरे साथ मेंबर बनने पर राजी हो गया, और उसने कहा मैंने भी घर की चीजें नहीं और उसने भी घर की चीजें नहीं, तो उसको भी 20% ऑफ मिला, उसको भी प्रोडक्ट पर पॉइंट्स मिले जैसे मुझे मिले थे, तो उसके 100 और मेरे 100 पॉइंट्स बनकर हो गए 200। तो 200 पॉइंट्स पर मैं कहाँ गई, 3% पे। अच्छा, यहाँ पर हर परसेंटेज की कुछ डिजिग्नेशंस हैं और उनके नाम हैं, तो यहाँ पर मैं कहलाऊंगी 3% पर कंसल्टेंट। फिर मैंने खुद 100 BP किए और मैंने चूंकि 20 कैटलॉग्स नहीं थी, तो मैंने 20 लोगों को दी, 20 में से 5 लोग राजी हो गए मेरे साथ मेंबर बनने पर, उन 5 लोगों ने मेंबर बनकर अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया जो 100 BP का था, उन्हें सेल्स एक्शन भी मिला और उन्हें वेलकम गिफ्ट भी मिले,
और मेरे मुझे क्या मिला, मुझे अपने 100 बिट भी मिले क्योंकि मैंने भी किए थे, और उन 5 लोगों के भी 100 बिट मिले, तो मेरे ऑल टुगेदर मिलकर हो गए 500 जमा 100 600 बिट। 600 मैं कहाँ आई, 6%। ठीक है, इस तरह से मैंने तो काम 100 बीपी का किया, मगर लोगों की ताकत ने उन्हीं 24 घंटों में उन्हीं दो हाथों के साथ मुझे डबल ट्रिपल ज्यादा काम किया और मेरी परसेंटेज ऊपर चली गई। रही मैं कंसल्टेंट, अब आते हैं 1200 बीपी। जब मैंने अपनी टीम मेंबर्स के साथ इसको डुप्लीकेट किया, यानी मेरे जो 7 6 लोग थे वो भी अपने साथ कुछ और लोग ले आए, उन्होंने इसको डुप्लीकेट किया, भले वो यूजर हो, सेलर हो, लीडर हो, तो क्या हुआ कि मेरे नीचे वाला 6 पर आ गया और मैं 9 पर आ गया। तो यहाँ पर मैं सीनियर कंसल्टेंट हो गई, 12 15 18 पर मैं मैनेजर बन जाती हूँ और 21 पे मैं सीनियर मैनेजर बन जाती हूँ। जून जो मेरा और मेरी टीम का साइज बढ़ता जाएगा, मेरी डेजिग्नेशन इंप्रूव होगी, मेरे पैसे इंप्रूव होंगे, मेरी परसेंटेज इंप्रूव होगी, और इस सक्सेस लेटर के अंदर जो रिटर्न का है, मेरी डेजिग्नेशन ऊपर जाती चली जाएगी। ओके जी, हम आज जो हमारी क्लास है ये हमारी बिजनेस क्लास, ठीक है। हम एक्चुअली अपने साथ जो बेबीज आते हैं, जो कंसल्टेंट्स आते हैं, जो नए लोग आते हैं, उनको कैसे डेवलप करते हैं, उनको डेवलप करने का जिस तरह से मैंने आपको बताया था, बोर्डिंग के स्टेप्स हैं, यानी जहाज में बैठने से पहले के स्टेप्स हैं, फिर आपकी एक डेस्टिनेशन है, जहाज का सफर भी एक स्टेप है, फिर डेस्टिनेशन पे उतरना एक स्टेप है, और अगर आपने कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है तो उससे आगे दोबारा आपने कुछ स्टेप्स रिपीट करके कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर मंजिल पर पहुंचना। सो हमने आपको बता दिया ये बोर्डिंग के स्टेप्स हैं, आपके पास नेम बैंक होना चाहिए, आपके पास कैटलॉग्स होने चाहिए, आप इनवाइट करोगे लोगों को, अटेंड करोगे, ज्वाइन कराओगे, यूजर बनाओगे, आपकी पसंद। अब ये होगा कैसे, आपको अपनी वो मंजिल पर जाने के लिए वो कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है ताकि आपके पास नॉलेज हो, जब आप बोले लोग आपको ज्वाइन करें, जब आप लोगों को इनवाइट करें तो आपकी पुर असर इनविटेशन हो, जब आप लोगों से बात करें तो लोग प्रिज्मेटिक हो जाए, जब आप लोगों से बताएं कि यार दिस इज व्हाट एवरीथिंग इज, तो वो कहेंगे यार हमें जरूर मेंबर बनाओ। तो वो वाला जादू आप में कैसे आएगा, जब आप ये वाली क्लासेस लेंगे, पहले लेंगे, जब आप लेंगे फर्स्ट टाइम में तो आपका दिमाग खुलेगा, आप उसके नोट्स बनाएं, जब आप सेकंड टाइम दोबारा लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है वो तब बनेगी जब आप उनको डिलीवर करने के काबिल हो, और जब आप डिलीवरी के स्टेप पर आ जाते हो ना, प्रोफेशनली आप लीडरशिप पर आ जाते हो, आप लोगों से जो बात करेंगे वो आपकी बात सुनेंगे। लोग कहते हैं हमारे लोग बात नहीं सुनते यार, लोग हमें इग्नोर कर देते हैं, वो तमाम लोग हैं जिनकी खुद ये ट्रेनिंग्स ना हुई होती हैं, जो ना आगे करते हैं और जिन्हें देनी भी ना। सो नंबर वन, ट्रेनिंग जब आप मेंबर बनते हैं आपकी होगी गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड के वो तकरीबन वो तमाम स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता दी, एप्स डाउनलोड करनी, गूगल पर जाना, अपनी नेम बैंक बनाना, अपना एक टारगेट बनाना। देखें टारगेट क्या है, गोल अगर आपका सेट नहीं होगा तो आप किसी मंजिल पर नहीं। आपने 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग भी कर ली है, पासपोर्ट भी था, टिकट भी था, जहाज में भी बैठ के जाना था, आपका जहाज अड्डे पे खड़ा है, आपका जहाज तो जहाज अफगानिस्तान रहा था, डूबने की तैयारी हो रही है। सो आपका जहाज कहाँ जा रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट, पर इससे पहले आपने चेक करना है आप किस जहाज में बैठ रहे हो, वो जहाज जा कहाँ रहा है, ये वो वाला जहाज तो नहीं है जो वहां पे खड़ा रहा है चुबुर्जी के उधर, जो कहीं भी नहीं जाएगा। सो आपकी मंजिल है 3% इस महीने, 6% इस महीने, या 9%। तो आपकी गेटिंग स्टार्टेड का एक मेजर स्टेप इज टू डिटरमिन योर गोल फॉर दिस मंथ, योर परसेंटेज फॉर दिस मंथ। आपने वो डिटरमिन कर ली, आपने नेम बैंक बना लिया, 20 कैटलॉग्स ले ली, 17 स्टेप्स ऑफ बोर्डिंग कर लिए, एप्स डाउनलोड कर ली, अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर लिया, लीडर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। अब बात समझने की बनती है, लीडर की ट्रेनिंग्स में पहली गेटिंग स्टार्टेड आपकी हो, दूसरी जिसकी नहीं हुई उसकी अभी हो गई, परसेंटेजेस को समझ लिया। अब आपने गेटिंग स्टार्टेड देनी आपको आनी चाहिए, यानी आप जिसको मेंबर बनाए उसको ये सब डुप्लीकेट कर सकें, फिर ओएम आप लें जो हर मंडे को होती है, ओएम देनी आनी चाहिए आपको। स्टेप 1 आप लें, स्टेप 1 देनी आती, स्टेप 1 इज एक्चुअली प्रोडक्ट से रिलेटेड, फर्स्ट स्टेप्स ऑफ सक्सेस। स्टेप 2 इज कैलकुलेशन,
मैनेजर तक आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, इसका एक फॉर्मूला है, मैं सिर्फ अभी रोड मैप बता रही हूँ। आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, परसेंटेजेस भी पता होनी चाहिए, सर्टिफिकेट देनी और लेनी आनी चाहिए, और आपको हमारे सेमिनार्स का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, जिसमें मैनेजर सेमिनार का सेकेंड लास्ट मंथ है, हमारा दुबई का एक सेमिनार आया हुआ है जो 2021 तक है, उसके लिए 6 महीने और 6 में से 4 महीने आपने मेंटेन करना है, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका पंजाब ESM जो है वो खास साहब है, और अगर आपका ताल्लुक सिंध से है तो आपके ASM जो है वो सदफ है, और अगर आपका नॉर्थ से ताल्लुक है तो आपके ASM उमेर है। ASM कौन होता है? एरिया सेल्स मैनेजर, जो कंपनी का पेड स्टाफ होता है, मगर आपने अपने डायरेक्टर अपनी अपलाइन को ही कांटेक्ट करना होता है, किसी ऐसी सूरत में आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ओके जी, अब हम बात करेंगे उस फास्ट ट्रैक की जिससे आप अपने गोल को अचीव करेंगे। गोल की बात कर रही, आपका गोल है 3% बनाना, आपका गोल है 6% बनाना, आपका गोल है 9% बनाना, दिस इज ए गोल। तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कौन सा होगा? ये ट्रैक, ठीक है। पहला महीना आपने ओरिजिन को ज्वाइन किया, ठीक है, ये आपका अगस्त भी हो सकता है, इस महीने फर्स्ट करें आप जून में जुलाई में कभी भी मेंबर थे, तो आपने खुद 100 BP करने हैं। आपने अपने साथ 3 लोग इस महीने ज्वाइन करवाने हैं, उसी महीने कोशिश करें ज्वाइन करें, बजा आप उस महीने हाई पर हैं, आपकी अपनी गेटिंग स्टार्टिंग हुई, आपने नेम बैंक बनाया, अपने कैटलॉग्स दिए, आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया 100 BP का, इस महीने आपको सबसे ज्यादा आप हाई पर हैं। सो आप कोशिश करें जिस महीने आप हाई पर हैं उसी हाईनेस, उसी मोटिवेशनल तरीके से आप उन लोगों को अपने साथ जो है वो एक्टिव रखें, मेंबर बनाएं। और इसी के साथ साथ ही जब आप उन लोगों को मेंबर बनाओगे तो क्या होगा, आपके अपने पर्सनल बीपी क्या है, 3 लोगों की आपने टीम बनाई है, सिर्फ तीन तीन लोगों की, आपके अपने 100 BP और आपके साथ 3 लोगों ने 100 BP किए, तो आपके पर्सनल बीपी 100, 3 से 300 आए, ऑल टुगेदर 400, 400 BP पर आप किस परसेंटेज पर आ गए? 3। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया था के 63 का बीबी है। देखिए मैं सीपीएल को अगर फॉलो करती हूँ तो हमारे सीपीएल के अंदर एक खास बीबी का रेशियो लिखा हुआ है विच इज 58 अभी भी, जबकि मेरे मैं जो मैं जानती हूँ दैट इज 63, आपको इससे ज्यादा कमीशन नहीं आएगा, मगर इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो चूंकि मैंने 2-3 CPL को गो थ्रू कर रही थी, इसमें 58 ही लिखा हुआ है, तो मैंने 58 के हिसाब से कैलकुलेशन किया, मगर एक्चुअली इट्स नॉट 58, 63। आपका कमीशन ही आपको जो इसमें पैसे मिलेंगे उससे ज्यादा ही मिलेंगे, मगर यहाँ पर जो कंपनी है उसने, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3% का कमीशन नहीं होता, यहाँ पर 3% पर अगर आप आते हैं खुद आपको कंपनी 600 रुपया देती है, और अगर आपकी डाउनलाइन में कोई आता है तो आपको 1000 रुपया मिलता है। इसी तरीके से अगर आप 9% पर आते हैं, यानी आप ये हैं, आपके साथ पिछले जो 3 लोग थे वो ये हैं, पिछले 3 लोग, 3-3-3 लोग अपने साथ लेकर आते हैं, और आप मजीद अगले महीने 3 लोगों को लेकर आते हैं, तो आप देखिए अगर आप सिर्फ चीजें बेच रहे हों तो आपके लिए कितना मसला है, और अगर आप एक ही वक्त में चीजें नहीं बेच रहे, सबको टीम बनाएंगे और सिर्फ लोग अपने घर का हर महीने ब्रांड चेंज करते हैं, ब्रांड चेंज करने से मेरी मुराद ये है कि ओरिफ्लेम के जितने भी शैम्पू कंडीशनर पेस्ट हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम है, शैम्पू 15-20 दिन बाद खत्म हो जाती है, तो रिपीटेड सेल्स दे रहा है, तो अगर आपके साथ कोई यूजर भी है तो वो रिपीटेडली चीजें ले ही रहा है, तो आपको कभी भी तंगी नहीं होगी कि ये चीजें ले रहा है तो ये दोबारा नहीं लेगा, लेगा अगर आप उसकी घर का ब्रांड बदलते। अब आप देखिए आपने अगले महीने अपने 100 BP किए और इन 3 लोगों को से डुप्लीकेशन करा ली, जो आपने किया पहला काम, पहला खुद डुप्लीकेट किया, क्योंकि आपने किया, आपने इनको फोर्स किया कि डुप्लीकेट करें, तो पहले पिछले महीने आप 3% पे थे, इस महीने वो जो पिछले महीने वाले 3 लोग थे ये 1-2-3-3% पर आ गए 400 BP की वजह से, बिकॉज इन सब ने 3-3 लोगों की टीम बनाई और आपने मजीद 3 लोग इसमें ऐड किए, तो अब आपके टोटल पॉइंट्स कितने हो गए इस महीने? फिर 100, 2, 3, 4, 4, 4, 8, आपके पास ऑल टुगेदर 1600 BP हो गए, 1600 BP पर आप आ गए 9% पर, और ये कमीशन आपको मिल जाएगा ऑल टुगेदर इस महीने का पूरा। इससे आगे हम चलते हैं, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है कमीशन के अंदर,
पैसों की सूरत में ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। इससे अगले महीने आप हुई हैं, आपने अपने साथ जो पहले 3 लोग थे उनसे जब डुप्लीकेशन कराई वो 9 पर आए, अगले जो 3 थे वो उनको 3 पे लेकर आए, और मजीद 3 लोग आप लेकर आए। इसके नीचे वाले 3 लोग 6 पर आए, इसके नीचे वालों ने 3 नए लेकर आए, और इनके नीचे भी टीम डेवलप हुई। आप देख सकते हैं 15% पर 5,500 बीपी पर आपने 13,000 के लगभग डिफरेंट लेवल से डिफरेंट पैसे लेने शुरू कर। इसी तरह से अगर आप 21 पर आए, इसका मतलब ये है कि आपके नीचे ये शख्स भी जो है वो 15 पर आया, ये भी 15 पर, ये भी 15 पर, कुल 3 पे आए, डिफरेंट लोगों ने काम किया और आप 21% पर सीनियर मैनेजर बन गए। डुप्लीकेशन की अगर यहाँ पर डुप्लीकेशन बिल्डिंग ना होती तो सिंपली लिखा होता है इसने 30 प्रोडक्ट बेची, इसने इतनी बेची, इसने इतनी इस्तेमाल की, तो ये हो गया। आपने यूजर बनना है और इसको शेयर करके टीम बनानी। ओरिजिनल को आप ज्वाइन करते हैं, आप 0% पे कंसल्टेंट होते हैं, 369 पे भी कंसल्टेंट रहते हैं, 12, 15, 18 पे आप मैनेजर बनते हैं, 21 पे सीनियर मैनेजर। फिर आप ऊपर जाते जाते गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, सैफायर डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, ये 19 डेजिग्नेशन है जिनको आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ से 3 से 9% पर आपको क्या फायदा होता है, आपको पिन सर्टिफिकेट और रिकग्निशन। बहुत से लोग अपनी पिन शेयर भी करते हैं जो आप लोगों को हम बाय पोस्ट आप भेजते हैं, पहले हम स्टेज पे बुला के देते थे। उसके अलावा आपको मिलता है स्पीड बोनस जो होता है 600 रुपया जो ही आप, और अगर आप अपने नीचे किसी को 3 पे लेकर आते हैं तो आपको एंटरप्रेन्योर बोनस 1,000 रुपये मिलता है। जो ही आप 12 से 18% पर आते हैं आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है 20%। इसके अलावा परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपको ना जो होता है आपको 18% मिल रहा होता है, पेन डिप्लोमा मिल रहा होता है, आपको सक्सेस रिकग्निशन और मैनेजर सेमिनार का इन्विटेशन भी मिलता होता है। जो ही आप 21% पर आते हैं आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है, आपको पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट या कमीशन की सूरत में 21% मिल रहा होता है, पेन डिप्लोमा, सक्सेस रिकग्निशन, ओरिफ्लेम 4% बोनस और मैनेजर सेमिनार और साथ ही डायरेक्टर सेमिनार का इन्विटेशन भी मिल रहा होता है। जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको मिलता है 21% का आपको डिप्लोमा या बोनस, उसी के साथ साथ आपकी रिकग्निशन होती है, 1,00,000 का कैश अवार्ड मिलता है, 4% मैनेजर सेमिनार और डायरेक्टर सेमिनार का भी इन्विटेशन मिलता है। इसी तरह आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, मेरी आवाज नहीं आ रही अब आई? अब आ रही है। अच्छा पता नहीं, शायद आ रही। अच्छा अभी नहीं आ रही थी कि पहले आ रही थी? पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है मैम। ओके, अगर आप डायरेक्टर्स की टीम का पार्ट बनते हैं तो आपको डायरेक्टर पे 1,00,000 का कैश अवार्ड अदर देन जो कमीशन आप कमाते हैं, गोल्ड डायरेक्टर पे 2,00,000 का कैश अवार्ड अदर देन जो कमीशन आप कमाते हैं, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर पे 3,00,000 का कैश अवार्ड अदर देन जो आप एज अ डायरेक्टर कमाते हैं, सैफायर डायरेक्टर पे 4,00,000 का कैश अवार्ड वन टाइम जो अदर देन जो आप कमाते हैं, और डायमंड पे आप 6,00,000 का कैश अवार्ड ले सकते हैं अदर देन जो आप कमा रहे हैं। उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती है डायरेक्टर से, आप डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर से इवन आप शुरू हो जाते हैं, हमारा दुबई का जो सेमिनार है वो अटेंड कर लेते हैं, गोल्ड डायरेक्टर पे आप गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे सीनियर गोल्ड पर भी आप उसमें, और सैफायर डायरेक्टर पर भी आप उसमें, इवन डायमंड कॉन्फ्रेंस में भी जा सकते हैं। सो आप अपनी पूरी लाइफ को ओरिफ्लेम के साथ चेंज कर सकते हैं। आप एवरेज अपनी इनकम देख लें, जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतने पैसे कमाती हूँ वो कैसे होते हैं, उसमें मंथली इनकम होती है, एनुअल इनकम होती है, कैश अवार्ड्स होते हैं और बहुत कुछ आप यहाँ से कमा रहे होते हैं। सो बेसिकली ये वही बातें हैं जो रिपीट हो रही हैं। आप ओरिफ्लेम के में जितने ज्यादा टाइटल्स अचीव करते हैं उतना ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ से होना शुरू हो जाता है, और यहाँ तक कि आप जब गोल्ड, सीनियर गोल्ड, सैफायर, डायमंड के बाद एग्जीक्यूटिव टीम शुरू हो जाती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर प्रेसिडेंट डायरेक्टर्स। सो ये 19 डेजिग्नेशन है ऑल टुगेदर। इन सब डेजिग्नेशन का ताल्लुक दो चीजों से है, डुप्लीकेशन, आप खुद प्रोडक्ट यूज करो, टीम बनाओ, उससे प्रोडक्ट यूज कराओ, डुप्लीकेट कराओ।
कोई तीसरा तरीका नहीं, आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ लोगों को ब्रांड में लाने, उनको एक्टिव रखने, उनसे डुप्लीकेट करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप कामयाब हैं। ये तो थी हमारी थोड़ी सी आज की प्रेजेंटेशन, जिसके अंदर मैंने बेसिकली कैलकुलेशंस नहीं करके दिखाई, इसकी बेस बनाई है। अब एक दो दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं एक लाइव सेशन दूंगी, जिसके अंदर मैं कैलकुलेशंस भी करके आपको दिखाऊंगी कि हम कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करते हैं और कैसे आप ऐसे सही तरीके से क्या क्या कमा सकते हैं। मगर एक्चुअल मंत्रा यही है कि टीम बिल्डिंग करें, लोगों को लेकर आए, उनको एक्टिव रखें। यहाँ तक तो थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन और इसके फायदे।